हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं जा रही हूँ बनाने वाइट चने से छोले। ये मैंने छोला भिगा के रखी थी रात 5 से 6 घंटे के लिए, और फिर इसको मैं बॉयल करने जा रही थी। ये बॉयल करना है, इसमें हल्दी और नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के, और कुछ खड़े मसाले डाली हूँ, दालचीनी और बड़ी वाली इलायची, लौंग और मरीच, काली मिर्च, वो डाल के मैं इसको बॉयल कर लूँगी। 15 मिनट के लिए मैं गैस पे रख रही हूँ, अच्छे से बॉयल हो जाएगा मीडियम फ्लेम पे। फिर ये इधर मैं मसाला पेस्ट ग्रेवी बनाने के लिए कुछ प्याज टमाटर ली हूँ, 3 टमाटर है 3 प्याज है। आगे मैं प्याज को कट करके इसका एक अच्छा सा दरबरा टाइप पेस्ट बना लूँगी, एकदम बारीक नहीं करना है। और फिर अलग से मैं टमाटर का भी पेस्ट बना लूँगी, दोनों को सेपरेट रखना है, एक साथ नहीं पेस्ट बनाना है। और फिर पैन ली थी, उसमें ऑयल डाली हूँ, उसमें जीरा डाल दी थी और सा जीरा डाल दी थी, दोनों जीरा में डाली थी। और फिर इसमें तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च डाल देना है, ऐड कर देना है। और फिर जो पिसा हुआ, इसमें लहसुन का पेस्ट मैं 2 टेबल स्पून के करीब मैं ऐड कर दी हूँ। आप अदरक का भी पेस्ट डाल सकते हैं, मैं नहीं डाली हूँ। और फिर पिसा हुआ जो प्याज में रखी थी उसको ऐड कर देना है, इसको अच्छे से भून लेना है। और प्याज को बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा वो दबरापन रहे उसमें। और फिर ये पेस्ट बना के रखी थी टमाटर का, उसको ऐड करने के बाद उसको थोड़ा सा भून ली थी हल्का सा 2 मिनट के लिए। फिर मसाले इसमें ऐड कर देने हैं, 1/2 टेबल स्पून के हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून, ऐसे करके सारे मसाले आप ऐड कर दीजिए। फिर मैं इसमें नमक ऐड कर रही थी स्वाद अनुसार। ये हल्का सा मैं गर्म मसाला ऐड की हूँ, घर का बना हुआ गर्म मसाला। ये मसाला दरअसल मीट मसाला है, उसको मैं बना के रखी हूँ घर पे। आप लोग को रेसिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और फिर चना मसाला भून गया था 10 मिनट के लिए, अच्छे से मसाला भुनी थी। फिर उसमें चना, उबला हुआ चना मैं ऐड कर दी थी। इसमें फिर पानी ऐड कर देना है, मैं पानी ऐड की हूँ 1.5 गिलास के करीब, 1.5 गिलास में पानी ऐड की थी। और ऊपर से लास्ट में मैं हल्का सा लाल मिर्च पाउडर और हल्का सा गर्म मसाला, और फिर उसके बाद थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था तो मैं उसको थोड़ा सा ऐड कर दी थी। इसी समय आपको जो भी कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। फिर इसको 10-15 मिनट के लिए, 15 मिनट अच्छे से पका लेना है, बढ़िया से एकदम से पक गया था कि बन के रेडी हो गई थी मेरी वाइट चने की छोले। और बहुत टेस्टी बना था, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत उसमें वो नहीं करने हैं पंचायत, बहुत टेस्टी बना था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।